का स्थानीय भाषा में नाम क्या है? हिमनंद मतलब ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय भाषा में जो है इसको शिगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिगड़ी कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण सवालों की क्लास। और इस सवाल की जो क्लास में मैं लेकर आया हूं 851 से लेकर जो है 900 तक, यानी कि 851 से लेकर 900, यानी कि पूरे 50 सवाल, पूरे 50 सवाल होने वाले हैं। और आप स्क्रीन पे बने रहिएगा, पहले तो स्क्रीन पे बने रहिए और ये देख लीजिए कि हमारे पेपरों की जो तैयारी है उसमें क्या ये पेपर आते हैं, क्या हम इन पेपरों की तैयारी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में HPPSC के द्वारा एग्जाम्स होते हैं, क्या हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, HPTET की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा कि आपके फ्रेंड्स का भी कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हिमनंद का स्थानीय भाषा में नाम क्या है? हिमनंद मतलब ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो स्थानीय भाषा में जो है इसको शिगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिगड़ी कहा जाता है। अगला सवाल, जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल प्रवाह मतलब समझ रहे होंगे, सबसे ज्यादा पानी की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो चिनाब नदी जो है वो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे पद्म संभव, क्या नाम था? पद्म संभव। उनकी बहुत बड़ी मूर्ति है, मंडी में लगी हुई है, ठीक है, के समय मंडी के किस स्थान पर वो रुके थे? तो वो रुके थे 3 धर्मों के स्थान पर, जहां पे तीनों धर्म हैं, सिख बौद्ध और हिंदू धर्म का प्लेस है, वो है रिवाल्सर। क्या नाम है? रिवाल्सर इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, खशो की पूजा की पद्धति 3 स्तर कौन से थे? तो कौन कौन से थे? वो थे इंद्र देवता, गृह देवता और साथ में ग्राम देवता। ईष्ट देवता, ईष्ट, गृह देवता और ग्राम देवता जो है वो इसका सही आंसर है। अगला है, सन 1572 में ध्यान से देखिएगा, ईयर्स में ही कंफ्यूजन रहती, मैं गुजरात के अभियान से पहले अकबर ने अपने पंजाब के सूबेदार हुसैन कुली खान को नगरकोट को जीत कर किसे देने के आदेश दिए थे कि तूने जब नगरकोट को जीत लेगा तो तू उसे ये सौंप देगा। तो ये किसको आदेश दिए थे? वो दिए थे बीरबल को, कि जब तूने पंजाब के सूबेदार हुसैन कुली खान को नगरकोट को जीत कर देने के लिए जो आदेश दिए थे वो किसको दिए थे? बीरबल के पास दिए थे। आंसर बीरबल रहेगा। घमंड चंद के पोते संसार चंद ने जय सिंह के से प्रार्थना की थी कि वे किले को जीतने में मेरी सहायता करें। जय सिंह ने किस शासक को पराजित किया था? तो वो किया था जीवा खान। नेक्स्ट आ जाता है, प्रदेश में आंगला गोरखों के बाद किसका प्रवेश हुआ? अंग्रेजों का। किसका हुआ था? अंग्रेजों का हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, 1815 की संगोली की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी गोरखों और अंग्रेजों के बीच। अगला सवाल है, 1942 में सिरमौर के पछोता आंदोलन का कारण क्या था? तो ये था राजा अंग्रेजों की सहायता पहुंचाने के लिए करों में जो है वो वृद्धि करना था, यानी कि टैक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा। अगला सवाल है, 1927 में सुजानपुर टीरा में सम्मेलन में किस नेता को पहाड़ी गांधी कहा गया है? सुजानपुर टीरा में कहा गया है भैया बाबा कांशीराम को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चंद्रभागा नदी को किनारे पर स्थित त्रिलोकीनाथ मंदिर है,
तो उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो उसका निर्माण जो है त्रिलोकीनाथ मंदिर का, वो है ललितादित्य के द्वारा किया गया था। क्या आंसर रहेगा? ललितादित्य। मंडी के त्रिलोकीनाथ पंचवक्त्र और साथ में जो है अर्धनारीश्वर मंदिर, ये सभी मंडी में है। ये किसको समर्पित हैं या किस भगवान से जुड़े हुए हैं? ये शिव भगवान से जुड़े हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला है, मंडी के सुप्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है राजा अजवर सेन की महारानी सुल्तान देवी ने नागर शैली में निर्मित किया। शिव की पत्थर की त्रिमुखी जो मूर्ति है वो वहां पर जो है वो विराजमान है। नेक्स्ट है, भूतपूर्व पटियाला रियासत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो ये है चैल में। कहां पर है? चैल में, सोलन। 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है, किस वर्ष पंजाब के पहाड़ी इलाकों का हिमाचल में, यानी कि कब मिला दिया गया है हिमाचल में पंजाब के क्षेत्रों को? सन 1966, क्योंकि पूर्ण गठन हुआ था ना हिमाचल का, तो सन 1966। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के विलय से विधानसभा की सीटें कितनी हो गई, यानी कि जब विलय कर दिया गया, मिला दिया गया, तो कितनी सीटें बन गई? तो 63 सीटें बन गई थी। सतलुज नदी पर निर्मित 800 मेगावाट का जो है कोल बांध है, ठीक है, किसके सहयोग से जो है इसको बनाया गया? तो भारत और रशिया, रूस के सहयोग से ये बना है। दोनों ने, देशों ने मिलजुल के बनाया। यमुना नदी का पौराणिक नाम क्या है, यानी कि पुराना नाम क्या है? तो यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से? अच्छा, नाम नहीं पूछा है, देवता का नाम पूछा है, तो आंसर है सूर्य देवता। क्या नाम है? सूर्य देवता से जो है वो यमुना नदी का जो है संबंध माना जाता है। अगला सवाल है, किन्नौर जिले का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर रहेगा रिकांगपियो में स्थित है। कहां पर है? रिकांगपियो में स्थित है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की रुमाल कला विश्व में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो हिमाचल के चंबा जिले की जो है, अगर कभी देखना हो तो मेट्रो स्टेशन के बाहर भी लगाए गए हैं, तो चंबा का रुमाल भी वहां पर लगाया गया है, जरूर से देखें। भारत के स्वतंत्र होने यानी कि 15 अगस्त 1947 तक संपूर्ण हिमाचल प्रदेश या क्षेत्र कितनी छोटी बड़ी रियासतों वो राजकीय क्षेत्रों में जो है विभक्त, यानी कि डिवाइड था? तो 30 रियासतों में ये डिवाइड था जब देश आजाद होने से पहले। हिमाचल प्रदेश के सारे पहाड़ी क्षेत्र को एक कर उसे हिमाचल प्रदेश नाम कब दिया गया? तो 15 अप्रैल 1948 को जो है वो हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया सबको मिलाकर। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने पर प्रदेश के प्रथम चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया? तो चीफ कमिश्नर जो बनाया गया जब देश आजाद हुआ और साथ में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया, तो बनाया गया एनसी मेहता को पहला चीफ कमिश्नर। हिमाचल के कौन से नेता बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं? तो वो हमीरपुर जिला से बिलोंग करते हैं, श्री अनुराग ठाकुर। क्या नाम है? अनुराग ठाकुर। सुप्रसिद्ध भांदल घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? भांदल, ठीक है, याद रखिएगा। तो भांदल घाटी जो है वो चंबा जिले में स्थित है। कहां पे है? चंबा जिले में स्थित है। अगला सवाल है, प्रदेश का प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर व्यक्ति किसे बनाया गया है? तो पेड्रल मून को जो है हिमाचल का जो है पहला प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाया गया था, पेड्रल मून। शिमला हिल स्टेट्स की 26
छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर सन 1948 में कौन सा जिला जो है वो बनाया गया, महासू जिला। कौन सा जिला बनाया गया था? महासू जिला बनाया गया था। जब मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस समय समय वहां का जो राजा है वो कौन था? तो उस वक्त जो है कांगड़ा का राजा था पृथ्वी चंद। क्या नाम था? पृथ्वी चंद। सन 1967 से लेकर 71 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था, मतलब किसके अंडर वर्क कर रहा था? तो दिल्ली। बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया है, कब मिलाया गया? सन 1954, जुलाई 1954। हिमाचल प्रदेश के में विधानसभा का गठन संविधान के कौन से संशोधन द्वारा किया गया था? तो 14वां संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था या गठन किया गया था। अच्छा जी, सुप्रसिद्ध स्थान निर्मंड, जहां पे सूर्य मंदिर है, याद रखना है। तो ये किस भगवान को समर्पित है? पशुराम को समर्पित है। क्वेश्चन में भी ये है किस से संबंधित है, तो ये है भगवान पशुराम से संबंधित। अगला सवाल है, सन 1942-43 तक शिमला किस देश की विस्थापित जो है वो राजधानी भी रही है? वो है बर्मा, म्यांमार, ठीक है, की राजधानी भी रहा है। 1948 में हिमाचल प्रदेश के लिए स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो शिवानंद, क्या नाम है? शिवानंद रमौल, पंडित शिवानंद रमौल जो है हिमाचल प्रदेश के प्रथम स्थापित की गई अल्पकालिक सरकार के प्रथम पहले अध्यक्ष रहे। भारतीय संविधान सभा में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसने किया था? तो डॉक्टर वाई एस परमार के द्वारा जो है उसका गठन किया गया था। सन 2012 में स्थापित राजा जगत सिंह संग्रहालय कहां पर स्थित है? जगत सिंह संग्रहालय, जैसे भूरी सिंह संग्रहालय है वो है हमारे चंबा में, इसी प्रकार से शोभा सिंह आर्ट गैलरी है तो वो है हमारे अंद्रेटा में, रॉरिक कला अकेडमी है मतलब संग्रहालय है तो वो नगर में है, इसी प्रकार से जगत सिंह संग्रहालय है वो है नूरपुर। क्या आंसर रहेगा? नूरपुर। अगला है, मारकंडा मेला जो है किस जिले में मनाया जाता है? तो मारकंडा जो मेला है वो मनाया जाता है बिलासपुर जिले में। बच्चों ध्यान से देखो, बिलासपुर जिले में मनाया जाता है। अदरक का उत्पादन, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है हिमाचल का कौन सा जो है स्थान है? तो वो है दूसरा स्थान, तो हिमाचल का जो है दूसरे नंबर पर आता है। हिमाचल प्रदेश में 13वीं विधानसभा के चुनाव कब प्रस्तावित हुए थे? तो 13वीं जो विधानसभा थी वो 2017 में बिठाई गई थी। कब थी? 2017। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी कि सीधाई एचपी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1970 में। कब हुई थी? 1970, 22 जुलाई 1970 में। यशवंत सिंह परमार ने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे? तो पहले मुख्यमंत्री बने हैं 1950, मार्च 1950, यानी कि 24 मार्च 1950 को यशवंत सिंह जो हैं वो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 1956 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा को किस एक्ट के फलस्वरूप जो है समाप्त कर दिया गया? वो था स्टेट ऑर्गेनेंस ऑर्गेनेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट,
नेक्स्ट है द्राटी दर्रा, कौन सा दर्रा? द्राटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में ये स्थित है। अगला सवाल है वाइल्ड फ्लावर हॉल जो कि 1993 में जलकर राख हो गया था, वहां पर कहां पर स्थित है? तो ये भी शिमला जिले में स्थित है। कहां है? शिमला। मंडी रियासत में बना सुर्खपुर दुर्ग वर्ष 1695 में किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? सिद्ध सेन ने बनाया था। किसने बनाया था? सिद्ध सेन। राज्य सरकार द्वारा गठित अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे के सी मल्होत्रा। कौन थे? के सी मल्होत्रा। पंजाब की राजधानी किस वर्ष शिमला से चंडीगढ़ जो है वो ट्रांसफर की गई है, यानी कि चंडीगढ़ को कब राजधानी बनाया? पहले तो शिमला होती थी। 1953 याद रखिएगा। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश में बसे तिब्बती लोग किस स्थान पर भोट नाम से जाने जाते हैं? वो है पांगी। पांगी जो कि चंबा में, तो वहां के जो तिब्बती लोग हैं उनको भोट के नाम से कहा जाता है। अगला सवाल है बिलासपुर का रंगनाथ मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है? वो भी शिव भगवान को ही समर्पित है। बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और हमारे 900 नंबर सवाल है बिलासपुर का सरयू मेला किस देवी देवता को समर्पित है? तो ये सरयू देव जो मेला है वो है माता हडिंबा देवी जो कि भीम की पत्नी है और कटोचकच की माँ। ठीक है, ये इसके आंसर थे। तो ये आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर से लेकर आऊंगा नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपने खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।